तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं भाई, उनके लिए यहाँ पे एक और ज़बरदस्त सा दोस्तों मैं एपिसोड लेके आ चुका हूँ, क्योंकि भाई BMCM की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करेंगे। और मुझे लगता है देखो, ये मूवी बहुत ही जल्द यहाँ पे एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने में कामयाब होगी। जो भी देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रही है वो बहुत ही बढ़िया हो रही है। और जो भी देखो यहाँ पे मंडे से इस मूवी को जो भी यहाँ पे लेंथ मिली है, ठीक ही मिली है यार, एकदम मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी कम क्यों हो रही है, सब ठीक है। जो भी है, अब देखो वीकेंड आ रहा है, यानी कि अभी 2 दिन के बाद में वीकेंड यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोबारा से यहाँ पे उठ जाएगी। अब हुआ कितना है, क्या है सारा सीन, वो मैं आपको बताता हूँ। कल की मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊँ। सबसे पहले देखो भाई, वो थी कल, तो कल था इसका 6ठा दिन और पहला ट्यूसडे था। 2.4 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 40 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है। एंड यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से जो इंडिया का नेट कलेक्शन होता है वो होता है 45 करोड़ 70 लाख, एंड ग्रॉस होता है 54 करोड़ 40 लाख। ओवरसीज से आता है 6 दिनों में 27 करोड़, एंड 6 दिन में वर्ल्ड वाइड होता है 81 करोड़ 40 लाख। ये ट्रेड कह रहा है, ठीक है, ये ट्रेड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मेकर्स के अकॉर्डिंग कुछ और ही सीन चल रहा है भाई। 95-96 हो सकता है, मेकर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड हो भी चुका हो। मेकर्स का यहाँ पे पोस्टर आया नहीं है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आ जाए आपको, या फिर मैं अपलोड कर दूँ उसके बाद आया, तो एक अलग बात है। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक नहीं आया है। बात करते हैं दोस्तों आज की, आज है 7वां दिन और पहला यहाँ पे वेडनेसडे इस मूवी को। अब देखा जाए, देखो आज ये मूवी क्या यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑक्यूपेंसी पे लेके चलूँ। ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की थी भाई 7.45%, आफ्टरनून शोज हुए 12.85%, इवनिंग शोज थे भाई यहाँ पे जो चल रहा है अभी वो है 14.36%, एंड नाइट शोज का भाई अभी तक आया नहीं है। शोज की बात करूँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पे 2D में ही पब्लिक भागती है। 2D की बात करते हैं, सबसे पहले मुंबई में सारे 11% की ऑक्यूपेंसी, एंड यहाँ पे शोज हैं 380। शोज डाउन हुए हैं, कोई बात नहीं, वो अपने वीकेंड में जाके एकदम फिल हो जाएंगे। दिल्ली NCR में 12.5% की ऑक्यूपेंसी है, 497 शोज हैं। एंड यहाँ पे पूना में 11.5% ऑक्यूपेंसी, 172 शोज। बेंगलुरु में 8.5% ऑक्यूपेंसी, 115 शोज। हैदराबाद में 3.5% ऑक्यूपेंसी, 35 शोज। कोलकाता में 7.5%, एंड अहमदाबाद में 7% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई में 19% ऑक्यूपेंसी। देखा जाए शोज के हिसाब से एक ऑक्यूपेंसी काफ़ी ठीक ठाक जा रही है, लेकिन ट्रेड के हिसाब से जो इसकी आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों आती हुई दिख रही है, वो ट्रेड कह रहा है देखो अभी तक यहाँ पे 1.56 करोड़। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मूवी आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है 2.3 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 40 लाख के आसपास, 2 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। 2 करोड़ 20 या 30 लाख आराम से दोस्तों इस मूवी के पास आज भी यहाँ पे होंगे ही होंगे, वो इतना पोटेंशियल तो इस मूवी के अंदर है। और यहाँ पे जो धड़ाधड़ भाई पब्लिक रिव्यू आ रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन आ रही है, जो थिएटर पे जाकर पब्लिक के जा रहे हैं लोग बाग, वो क्या बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं, पब्लिक यहाँ पे बोल रही है कि भाई बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत यहाँ पे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, पब्लिक ऐसा बोल रही है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो यहाँ पे ठीक ठाक आ भी रही है, तो मुझे लगता है देखो ये मूवी इंडिया से नेट नेट कलेक्शन में आराम से कर लेगी, देखो आराम से कर ही सकती है। और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड तो अच्छा खासा हो ही रहा है, एंड यहाँ पे ओवरसीज में भी ठीक ठाक 26-27 करोड़ ये मूवी पहुँची गई है। और यहाँ पे पब्लिक दोबारा से सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि अभी देखो वीकेंड चल रहा है, वीकडेज चल रहे हैं, क्या है कि वर्किंग डेज चल रहे हैं। अब इस मौके पर तो देखो हर मूवी डाउन होती ही है, उसमें कोई शक नहीं, हर मूवी डाउन होती है। आप कोई सी मूवी उठा लो, हर मूवी डाउन होती है, पहले वाला दौर रहा नहीं। पठान भी डाउन हुई थी, जवान भी डाउन हुई थी, एनिमल भी डाउन हुई थी, गदर भी डाउन हुई थी, सारी मूवियाँ अपने अपने हिसाब से डाउन हुई थी, उसमें कोई शक नहीं, ये अपने हिसाब से डाउन हो रही है। वीकेंड आ रहा है दूसरा, फिर 200 यहाँ पे उठेगी मूवी, फिर 6 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ जाने वाली, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे तैयार बैठी है कि भाई जैसे ही यहाँ पे सैटरडे आए और हम टिकट बुक कर ले। और वैसे भी देखो पब्लिक ने ऑलरेडी यहाँ पे टिकट बुक की भी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि भाई सैटरडे संडे में यहाँ पे हमें सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि फुल मिलेगा, सड़कों पर हमें जो है खड़ा होना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों बताओ भाई नीचे कौन कौन जाने वाला है इस वीकेंड में, और भाई किस किस ने मूवी देख ली, उसे लगी कैसी एक्चुअली में। भाई एक ऑर्गेनिक कमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि फाड़ दिया बाप लेवल की जो है बड़े में छोटे में, एक ऑर्गेनिक आपको मूवी कैसी लगी उस तरीके का कमेंट नीचे मुझे कमेंट जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।